आवर एम टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। इसमें ऑपरेटस गैल्वेनोमीटर एक नंबर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा बैटरी, चौथा रेजिस्टेंस, पांचवा वन वे की दो पीस लेते हैं। रेजिस्टेंस भी 10,000 ओम और 200 ओम का लेते हैं। यहाँ 10,000 ओम वाला ही हम लोग यूज करेंगे। फिर रियो स्टेट है, कनेक्टिंग वायर है और सैंड पेपर है। इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वोल्ट मीट वेस्टर्न टाइप ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्शन इधर भी देता है और नेगेटिव साइड भी देता है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड बताता है करंट का। ये वोल्ट मीटर है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम रेंज जो है 0 से लेके 3 ओम 3 वोल्ट तक का है, सॉरी ओम नहीं। ये बैटरी के जब पर हम इसको यूज करते हैं, ये एलिमिनेटर है, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें बहुत से की लगे होते हैं जो अलग अलग मान के की हैं, और इस की को निकालते हैं तो वोल्ट रेजिस्टेंस हमें प्राप्त होता है। ये भी रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि लो, ये 200 ओम तक रेजिस्टेंस इससे प्राप्त किया जा सकता है। ये की है, हमें 2 की की आवश्यकता होगी। ये रियो स्टेट है, इसमें एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, तीसरा टर्मिनल ये है, सॉरी तीसरा टर्मिनल यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर से बता दें, ये एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है और तीसरा टर्मिनल यहाँ पर है। और ये अंत में सैंड पेपर है। इसको आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर रस्ट लगा हो रहता है या कार्बन जमी हो जाती है, करंट का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है, तो यही सैंड पेपर का यूज हम लोग करते हैं। उसको घसते हैं और उसको, अब इस सर्किट डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ये सेल है, ये की है, ये रियो स्टेट है, सब सैम्बल के रूप में दिखाया गया है। ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जो कि रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। इसका कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे किस तरह से इसका मान निकालते हैं। Here, positive terminal of the power supply is connected to one end of the rheostat. And the negative terminal of the power supply is connected to the other end of the rheostat. And one end of the converted galvanometer is connected to one end of the rheostat. And the other end of the converted galvanometer is connected to the upper end of the rheostat. And the positive terminal of the standard voltmeter is connected to one end of the rheostat. And the negative terminal of the standard voltmeter is connected to upper end of the rheostat. Here,
कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर। इस प्रकार से हम लोग सर्किट डायग्राम में देखें कि किस प्रकार से कनेक्शन किए हैं सभी यहाँ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के साथ। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ थ्योरी लेते हैं तो क्या है। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर इज एन आइडियल डिवाइस डेट इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग इवन ए वीक इलेक्ट्रिकल करेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट लाइक क्वाइल सस्पेंडेड और पिवोटेड कनकेव पोल फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड हॉर्सशू मैग्नेट। द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू द क्वाइल। द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास थ्रू इट। यहाँ पर है क्या कि गैल्वेनोमीटर बहुत वीक करंट को नापता है, ठीक है। और इसका फीचर क्या है, तो इसका फीचर है कि ये सस्पेंडेड या पिवोटेड पोल फेस में इसका लेमिनेटेड हॉर्सशू मैग्नेट में वो सस्पेंड रहता है क्वाइल, ठीक है। इस तरह का ये मान लिया कि एन पोल है और ये एस पोल है, इसके बीच में इसका क्वाइल जो रहता है या तो सस्पेंड रहता है या एक्सल पर वो पिवोटेड रहता है इस तरह से। और गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन देता है उसका डिफ्लेक्शन अगर थीटा है तो समानुपाती होता है कि उसमें करंट कितना प्रवाहित हो रही है उसी करंट के समानुपाती होता है, यही उसका थ्योरी है। अब उस गैल्वेनोमीटर को जो वोल्ट मीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को वो बतलाता है। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे, मतलब करंट मापने वाला यंत्र को हम वोल्टेज डिफरेंस मापने वाले यंत्र में परिणत करेंगे। अब बारी बारी से हम लोग प्रोसीड्योर के देखेंगे कि प्रोसीड्योर में क्या है। तो प्रोसीड्योर में हम लोग क्या देखे थे कि कनेक्शन देखे हैं कि किस प्रकार से कनेक्शन किए, उसके बाद क्या करते हैं ये हम देखते हैं कि कनेक्ट रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर एंड टेक प्लग ऑफ आर, मतलब उसमें रेजिस्टेंस देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ते हैं और उसमें प्लग को निकालते हैं ताकि उतना रेजिस्टेंस उसमें चला आवे। ए एंड बी आर फिक्स्ड टर्मिनल एंड सी इज वेरिएबल टर्मिनल और रियोस्टेट। तो रियोस्टेट में इस तरह से क्या दिखाए थे कि यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था और जो ऊपर में था वो ये क्वाइल है और क्वाइल पर ये इस तरह से आगे पीछे खिसकने से उसका यही वेरिएबल टर्मिनल उसका रेजिस्टेंस के मान को बदलता है और उसके अनुरूप हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग मिलता है। और तब क्या होता है इस तरह से, नाउ गैल्वेनोमीटर फंक्शन एज वोल्टमीटर रेंज भी थ्री, यहाँ भी वोल्ट। तो ये भी वोल्ट कहने का मतलब ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो भी यहाँ पर भी हम लोग 3 वोल्ट लेते हैं, मतलब उस गैल्वेनोमीटर को 3 वोल्ट मापने वाला वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। उसके बाद टेक आउट प्लग्स ऑफ द कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बुक्स। अब तब रेजिस्टेंस बुक्स जो जुड़े हैं उसमें क्या कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे कि वो आर का मान लगभग 4400 ओम के आसपास रेजिस्टेंस होता है
उसको हम लोग कैलकुलेशन में देखेंगे कि किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है, और उतना रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर देते हैं। बाय यूजिंग ए की एडजस्ट मूवेबल कॉन्टैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस सच ए डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर बिकम्स मैक्स। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि रियोस्टेट को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में अधिकतम दे, मतलब यहाँ मिडिल पॉइंट से ऐसे उसमें ये अंतिम तक चलावे उसका निडल। और कहने का मतलब यहाँ जो है 30 डिवीजन है, तो 30 डिवीजन तक वो मिडिल पॉइंट से चलावे, इस तरह से रियो एस्टेट को एडजस्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों के रीडिंग को, गैल्वेनोमीटर के रीडिंग को और वोल्ट मीटर के रीडिंग को हम लोग पढ़ते हैं, नोट करते चले जाते हैं, और उस रीडिंग को, गैल्वेनोमीटर के रीडिंग को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट में, और इस प्रकार से क्या होता है कि जो वोल्ट मीटर का डायरेक्ट रीडिंग है और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्टेड रीडिंग है, दोनों के बीच हम एरर देखते हैं कि कितना आता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय मूविंग द वेरिएबल कॉन्टैक्ट ऑफ रियोस्टेट बाय 5 रीडिंग कन्वर्ट वोल्टेज रेंज फ्रॉम 0 to 3। तो यहाँ पर 5 रीडिंग लेंगे जो 0 से लेकर के 3 वोल्ट तक कन्वर्ट करता है। अब उसी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, माना कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है जी है, फिगर ऑफ मेरिट उसका के है, और उसमें डिवीजन की संख्या एन यहाँ पर 30 है, जो आगे कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से करंट का मान कितना होता है, वो एन के, ठीक है, वो गैल्वेनोमीटर का करंट करना, और हमको उस गैल्वेनोमीटर को भी वोल्टेज के रेंज तक कन्वर्ट करना है। तब क्या करते हैं कि हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। यहाँ देखिए, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 112.23 ओम, 112.23 ओम है। फिर उसका फिगर ऑफ मेरिट देखेंगे तो के बराबर 0.00002125 है। इस प्रकार से करंट का मान का हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना होता है। तो यहाँ पर n का मान वो 30 है, ठीक है, और फिगर ऑफ मेरिट इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये राशि प्राप्त होता है, यानी IG बराबर 7.338 × 10⁻⁴ एम्पियर है। और इस रेंज को हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है 3 वोल्ट में। अब देखिए, उसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम जो रेजिस्टेंस लगाए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी का मान कितना होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप, फिर से देखते हैं हम लोग, ये भी का मान कितना होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो कि यहाँ पर दिया गया है, फिर इसका पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब आई जी और ये आर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कितना आया हमको, भी बराबर GIG + IG और R आया, ठीक है। तो IG को कॉमन लेकर के यहाँ पर भागा दे देंगे, तो ये दोनों को कॉमन लिया और भागा दे दिया यहाँ पर, तो क्या हुआ, भी बटे जी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो भी बटे जी हो गया, यहाँ पर कितना बचा, G + R बचा था, ठीक है। अब R का मान, तो G को उधर
जी को इस तरफ कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमें, भी बटे जी माइनस ये भी बटे आई जी होगा, जी नहीं आई जी माइनस यहाँ पर जी होगा, और ये इस तरह से आर का मान जो कि हम यहाँ दर्शाए हैं। और उसी कैलकुलेशन में जो हमें मान आया है इसमें क्या करते हैं कि मान को बैठाएंगे, यहाँ पर देखिए बैठाए हैं और आर का मान निकाले हैं, और ये फिगर ऑफ मेरिट ये इसका मान तो हम पहले भी निकाल के दिखा चुके हैं, ठीक है। Each division is for a galvanometer of deflection of 9 divisions. The reading in the converted galvanometer is 0.9 volts and the standard voltmeter shows the reading of 1 volt. Similarly, for the galvanometer deflection of 18 and 25, the values of voltage reading in the converted galvanometer and the standard voltmeter are as follows.